हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है और हमें उसका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी रिएक्शन है। अगर हम ऑब्जर्व करें जो गिवन स्ट्रक्चर है, लेट अस सपोज दिस स्ट्रक्चर इज एक्स। इसमें दो एटम ऐसे हैं जिनके पास क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दैट मीन्स ये कैसे बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और उसकी रिएक्शन हमें करानी है एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड जब भी कभी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है तो हम सब जानते हैं देशो SNAE रिएक्शन। SNAE कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो होता क्या है, एसाइल क्लोराइड का जो कार्बोनिल वाला कार्बन है, दैट मीन्स ये कार्बन जो है ये क्या होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से। बींग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन पे कौन सा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और ये एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बिहेव करेगा। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप अपने लोन पेयर का करता है इस कार्बन को डोनेट। तो हम सब जानते हैं ऑक्सीजन बींग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ये अपने लोन पेयर डोनेट ईजिली नहीं करेगा। तो होता क्या है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है जिससे ये ऑक्सीजन और कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है एंड वापस से फॉर्म होता है, और लास्टली कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड वीक होने के कारण टूट जाता है जिससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होता है, नाइट्रोजन से सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री अटैच हो जाता है, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि उसने लोन पेयर डोनेट किया है। रेस्ट सारे ग्रुप्स क्या होंगे, एज इट इज, और साथ में क्लोराइड आयन बाहर निकल गया। अब नाइट्रोजन अपना चार्ज न्यूट्रल होने के लिए इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे H प्लस निकलेगा, और वो H प्लस Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, ये फॉर्म होगा। तो हमसे पूछा था कि मेन प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा ये कंपाउंड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। थैंक यू।